लाना नहीं अब। आपको तो पता ही होगा विराट ने अनुष्का के साथ ब्याह कर लिया। कप्तान गेंद पर घायल हो गए, कप्तान बाकी सारा काम तो हो ही चुका था। क्योंकि जो उनका काम पेंडिंग है इसको भी कर लिया जाए। उन्होंने साहब ब्याह कर लिया और ब्याह करने के लिए जगह चुन ली इटली। मैं चार पंक्तियां तैयार हुई बिल्कुल आप तक भेजता हूँ कि शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोएंगे, खास खास दोस्तों के इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, खास खास दोस्तों के लेके शुभकामनाएं, अनुष्का के प्यार संग बीज नया बोएंगे। विराट बाबू आप लोग एडवांस पेमेंट कर देते हो भैया, ये आए तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, इटली प्रभाव दुर्भाग भी संजोएंगे। दुनिया बता रही है इटली में वो ही बीज होवेंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे। देश भर में इतनी विडंबना है, मैं हिलाओ नहीं यार ज्यादा, अरे यार कांडा हो जाता है भाई। अरे भाई कहाँ बैठ रहे हो, अरे बैठा लो थोड़ी देर, रुक जाओ यार। मैंने जसलीन से ये पूछ लिया, जसलीन 65 का जलोटा तुझे कैसे मिल गया। बड़ी साफ़ सी बात थी, मराठी में 28 साल की छोरी पटा ली। मैंने जसलीन से ये पूछ लिया, जसलीन 65 का जलोटा तुझे कैसे मन भा गया। तुझको पता नहीं है तेरा कारनामा देख, देश भर का यूथ डिप्रेशन में आ गया। मैंने जसलीन से ये पूछ लिया, जसलीन 65 का जलोटा तुझे कैसे मन भा गया। तुझको पता नहीं है तेरा कारनामा देख, देश भर का यूथ डिप्रेशन में आ गया। तो जसलीन बोली क्या बताऊं आपको जनाब, मुझको तो एक बार मुला उठा गया। हैंडसम इनकम और उसके दिन कम, ये कैसे कह इनकम और उसके दिन कम, ऐसा बजा तबला समझ सब आ गया। बहुत सारे विसंगतियां मुझको पता है, हरियाणा की बात हो रही है, मैं तो क्या बताऊं साहब, हरियाणा में भी लोग हमारे यहाँ के बारे में बहुत बात, मेरे से तो किसी भाई कसम क्या है, लंबोर्गिनी बैसिया बंदी रहती है। मैंने आदरणीय उसको एक पंक्ति में समझाया कि आदमी यदि कोशिश करे प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले। यहाँ सफारी क्या बात है। अच्छा आप बड़े सुदेश होता है, पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, खाने पर अच्छा लस्सी दुकानों में ठिलियों में मंदी का सुन देख के परेशान हूं। इतनी मंदी आई साहब, इतनी मंदी आई, प्रॉपर्टी के रेट पुलिस का डाटा है, वो हरियाणा पुलिस किस किस चीज के रेट गिर गए। लेकिन मैं आपको बताऊं इस देश के नेताओं के रेट बिल्कुल भी नहीं गिरे, क्योंकि ये पहले भी 2 कोटि के थे, आज भी 2 कोटि के हैं। चार पंक्तियां भेजता हूँ आप तक, आप आनंद लीजिएगा कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने पूछ लिया सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, मेरे 3 महीने से गरीब हो गया भी यार, फर्जी वोट पड़ने विद्रोह बताऊं का विडंबनाओं का अंत नहीं, कहीं से भी निकाल लो। हम लोगों ने तो घर में
टेलीविजन पर मिल गया, टेलीविजन जैसा मागरू जिसके रखते किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। एक आदमी ने घर पे फोन किया, उधर से मैडम ने उठाया, बोला हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे ही हूँ, बोला घर पे तो मिक्सी चला के दिखा, उसने साथ मिक्सी चला दिया, वो कहेगा मिक्सी लेके जाती है, हेलो उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे हूँ, बोला मिक्सी चला के दिखा, चला के दिखा, उसने साथ फिर मिक्सी चला दी। कर तो नौकर से पूछते हैं, वो कहता है मिक्सी लेके जाती है, यही तो नौकर से पूछ लिया, मैडम कहाँ है, अब देखना, बोला जी पता नहीं, दो महीने हो गए वो सवेरे मिक्सी लेके पता नहीं देखा, यही तो प्रॉब्लम समझ चुका है। यहीं से उठी एक विडंबना, चार पंक्तियां भेजता हूँ आप तक कि ताऊ बोला जी कर ऐसे ऐसा वरदान मिल जाए, नाथ ने पढ़ा मैं गणपति बन जाऊं मैं, ताऊ बोला जी कर ऐसे ऐसा वरदान मिल जाए, नाथ ने पढ़ा मैं गणपति बन जाऊं मैं, तेरे पे पूजा कराऊं दीवा बाती भी लुवाऊं, रोज ताजे ताजे मीठे मीठे लाडू खाऊं मैं, तो ताई बोली हाथ जोड़ गणपति बन जाए तो हो जू मैं निहाल अर्श कर मनाऊं मैं, हर साल यमुना में कर के विसर्जन तेरा, अपने लिए नवा गणपति लेके आते, तो क्या बताऊं, हमारे यहाँ तो स्थितियां इसी प्रकार की हैं कि वो पीछे पीछे मोर लड़। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ साहब हरियाणा में दो कैरेक्टर विशेष पाए जाते हैं, एक तो नागर और एक ताऊ, देखा और जी कर पड़ा, बोला मैं तोल देखी, हलवाई ने तोल दी, मोरट ने खा ली, खा के खड़ा हो गया, तो हलवाई बोला पैसे, पैसे तो है, हलवाई नीचे उतरा, बुद्धि ने पकड़ा, दो मारे ऊपर और दो मारे नीचे, और डगड़ी मार के नीचे गिर दिया, मोलट 5 मिनट तक धरती पे पड़ा है एकदम नीचे, 5 मिनट के बाद खड़ा हुआ, तो हलवाई बोला रहा अब क्या है, और तोल दो इसी रेट में 1 किलो, पीछे पीछे मोलड़न देख लेने चोरी बोली, मारे हट बार बार पीछे पीछे आवे से, पीछे पीछे मोलड़न देख लेने चोरी बोली, मारे हट बार बार पीछे पीछे आवे से, मजनू बना फिर से इतना भी ज्ञान कोनी, हम दोनों के पाछे मेरी मम्मी भी तो आवे से, तो छोरा बोला चुपचाप बात न गवाए रा, मने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से, इनके पीछे डर मत खानदानी, मेरे बाप है हम देख, मेरे बाप के पीछे मेरा बाप बताओ, ये सब बेच चुके हैं पहले दुकान में, दुकान में रख के बेच चुके हैं सब, पढ़ाने के छोड़े हैं, दरअसल यूनिवर्सिटी में आ गया पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए तो साहब उसने एक लड़की मिल गई, तो उसने अपना प्रेम निवेदन कर दिया, और प्रेम निवेदन करते ही लड़की यही की थी, हो सकता है यही के आसपास की थी, हर चीज में पड़ी थी, हर चीज में पड़ी थी, ये मिट्टी की बात बता रहा हूँ आपको, लड़के ने प्रेम निवेदन कर दिया, लड़की बोली जी आपको पता नहीं हमारे दिल का कोई और रहता है, लड़का बोला, लड़का हरियाणा का था साहब, हरियाणा वाले का जवाब सुनना, उसका आनंद लेना, जैसे उसने प्रेम निवेदन किया आई लव यू आया, जो भी कहा, लड़के बोले जी आपको पता नहीं ये करना होता है क्या, पूछ लो, लड़का बोला जोर से रह रहा, उसने रहने दे, मने भी कोई से फेफड़े में एडजस्ट कर लिया, क्योंकि दिल तो फूल है, मैं चार पंक्तियां आपको विष्णु दास से ही भेजता हूँ, कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा, अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा, और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूसरी बार 600 दीजिए 800 चुकाएगा, तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में, जितने प्रबुद्ध लोग हैं जिनको पता है उनको
चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटता है, वहां से हाथ से निकलना। चार पंक्तियां आपको देखता हूँ, वही बताया, आनंद ले केवल केवल आनंद ले। स्वागत है ये छोरी बोली बोलड़ते की तेरा यकीन करो, बार बार मारेगा या करके दिखावेगा, रोज कहता है तेरे लिए चांद तोड़ लियाऊं, मन यो बता दे ऐसा दिन कब आवेगा। तो छोरा बोला इसमें के खास बात डार्लिंग, मुंह ते बोल बंदा भी चांद तोड़ लियावेगा, पर ये बता दू जो मैं चांद तोड़ लिया फिर धरती के चक्कर तेरा बाप ही लगा। चांद तोड़ लिया फिर तो बहुत सारी स्थितियां, इतनी स्थितियां भावी शब्दा से दर्शन के लिए दर्शन जाएगा, दिमाग लड़ने के लिए दिन चाहिए। एक बार आप गाड़ी बजाए तो मैं आपको हाथ से चार पंक्तियां आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग बेलुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक एकता पर हक की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मदमस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊते यो पूछ लिया ताऊ बोल, कुत्तों ने के मीटर मिले ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मित्रों मैं गजल के दो चार शेर आप तक पहुंचाता हूं। मौतकिल जी बहुत अच्छी गजल भी कहते हैं और इनकी गजलें पूरे देश में पहुंची है। कुछ सुने एक बार ताली बजाइए, बिल्कुल दूसरा काम हो एक बार सुनना चाहते हैं। इस प्रकार को बहुत देर तक हिला जाया जा सकता है, हाथ पे लिख के नहीं लाना चाहिए किसी को, क्या हाथ पे लिख के नहीं लाना चाहिए किसी को, हाँ ये कर पेन पान रखो मिट जाता है, कहीं उल्टी दिल्ली मेरे सर आगे पड़ती है, चलेगा भाई। तीसरी आइटम एक और अरविंद केजरीवाल, अरे भाई पढ़े लिखे आदमी से कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, जवाब मिल जाता जब उसका क्या हुआ, जब उसका ब्याह हुआ साड़ियों ने जूते छुपो लिए तो अगले ने जाकर थाने में रिपोर्ट कर मल्लिका के पास शिल्पा शेट्टी चली गई, कह रही बाबा योग सिखा दो, आज तक एक आंख नहीं खुले, बाबा इतना प्रसन्न हुआ, बाबा इतना प्रसन्न हुआ, आज तक बाबा की एक आंख जीते रहे माँ बाप तो बच्चों के वास्ते, जीते रहे माँ बाप तो बच्चों के वास्ते, पर बच्चों ने ढूंढे आश्रम दोनों के वास्ते, और क्या करता पागल था जो किसने मर गया अपनों के वास्ते। सुनिए याद आ गया, बहुत सारी इतने वास्ते हैं कि याद आ गए, अच्छी कविता पे अच्छी गाली आनी चाहिए, बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा है केवल बिल बिलाने के लिए, और हम जिंदा है केवल बिल बिलाने के लिए, और बेकसी बेकसी पड़ती रही कर दाने दाने के लिए, बेकसी बेकसी पड़ती रही कर दाने दाने के लिए, तन पड़े पर झोंकना चूल्हा जलाने के लिए, के लिए तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए, और कितनी ऊंची कूद मारी, शेर देखिएगा कि कितनी ऊंची कूद मारी, कितनी ऊंची कूद मारी, इस उड़द की दाल ने लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। सोचता हूँ टमाटर को बैंकों में जमा करवाएंगे, सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, दिन में तारे दिख गए बच्चे पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे, बहुत सोचता हूँ वो जमाना 98,000 फीट पे बोल रहा है, दिन में तारे दिख गए पढ़ाने के लिए, और नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी, नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी, दो निवाले बच्चों को खिलाने के लिए। वाह
तन पे है, बनियान चट्टी तन पे है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए भाई। बनियान चट्टी दोनों के ऊपर नहीं, इंटरनेशनल स्टेज पर है, इंटरनेशनल स्टेज पर है भाई। अभी जहाँ अपलोड करेंगे एक छिपाने के लिए और एक दिखाने के लिए, और बन गया मैं तो मिनिस्टर भोली जनता शुक्रिया। बन गया मैं तो मिनिस्टर भोली जनता शुक्रिया, मिल गया लाइसेंस अब देश खाने के लिए, ले गया तो बैठा ले उसकी जैसे पीछे बैठी जो जो भी है।